जब मैं आया था 94 में तो उस वक्त ये आधी औरत थी, एक दिया रखने की जगह थी। अच्छा, ये तह नजर आ रही हैं, ये लेयर्स हैं, मनों के हिसाब से इसका वजन है, लेकिन ये हैंगिंग है ये। ओहो, क्या बात है। चलते 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 मैं डर भी रहा था, अब इतना भारी हो गया है, ये मेरे हाथ में छोटा सा पत्थर है। ये क्लस्टर फिग है, ये जर्नैली रोड है। 500 साल पुराने दरख्त जो है उसकी आप शक्ल देख सकते हैं, इतने बड़ा तना है। Look at that beauty. हम यहाँ जो खड़े हैं ये एक मस्जिद है, औरंगजेब ने बनाई थी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरशद मुगल और आप देख रहे हैं अरशद व्लॉग। नाज़रीन इकराम, इस वक्त मैं मौजूद हूं शाह अलादिता इस्लामाबाद में। यहां कदीम ज़माना केव्स हैं और मेरे एक दोस्त हैं जी, आपको सामने दिखाई दे रहे हैं, इनका नाम है अंसार अहमद और माहिर आसार कदीमा हैं। और इनको मैं क्यों लेके आया हूँ, सिर्फ ये नहीं है कि माहिर हैं इस चीज़ के, इस फील्ड के नहीं, इन्होंने ये वाली जो गार हैं इन्होंने दरियाफ्त की सबसे पहले पाकिस्तान की तारीख में। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। अंसार भाई, आपने जिस तरह मुझे बताया यहाँ तक आप कैसे पहुँचे और आपको ख्याल कैसे आया कि यार इधर कोई गारें होंगी, क्या सीन क्या है ये? बस जी, असल में ये मेरा भी कारनामा नहीं है। असल में हुआ ये था कि मैं चूँकि टेक्सटाइल म्यूजियम में था। अच्छा। और वहाँ पे डॉक्टर दानी मेरे उस्ताद हैं। अच्छा। जब वहाँ पे आए थे उन्होंने कहा कि जी ये मरगला के पीछे गारें हैं। अच्छा। तो कोई हिम्मत करे तो कोई यहाँ से, लेकिन पैदल जाना पड़ेगा। मैंने कहा सर मैं जाऊँगा। ओके। और फिर मैंने ठान ली और मैं एक दो दिन के बाद वहाँ से चला। ओके। और गारों में पहुँच गया। क्या बात है जनाब। खुर्रम प्राचा एक इलाका है जी जी टेक्सला में। जी जी। वहाँ तक तो मैं आया, वहाँ पर हमारे एक अटेंडेंट रहता था, उसने मुझे बताया कि ये रास्ता उधर जाता है। उसने मुझे वहाँ रास्ता दिखा के और खुद तो वापस चला गया। फिर मैं वहाँ से चल पड़ा। चलते 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 मैं डर भी रहा था कि यार मैं बगैर किसी कोई हथियार नहीं है, ना कोई डंडा उठाया हुआ है, और मैंने कहा कोई सांप भी हो सकता है। लेकिन शुक्र है कि चूंकि सर्दियाँ थी तो ना कोई कोई जानवर नजर नहीं आया मुझे, और मैं आहिस्ता आहिस्ता होता हुआ क्रॉस कर लिया। क्या बात है। तो यहाँ जब आप आए क्या कुछ देखा, ये सब कुछ मेरे नाज़रीन को आप बताएंगे अपनी ज़ुबानी। चलें फिर चलते हैं गारों की तरफ। क्या बात है जी। चलिए जब मैं यहाँ पहुँचा तो मैं देख के हैरान रह गया यार कि इतनी ज़बरदस्त ये इसकी फॉर्मेशन है। ये तो बिल्कुल यूनिक है पूरे इस्लामाबाद में, पूरे पहाड़ों में ऐसी ये कैल्शियम कार्बोनेट से बनी ये गारें नहीं थी। सही। तो मैंने देखा कि फील किया कि यार यहाँ तो हो सकता है कि आबशार बहती होगी जी। और जब मैंने बड़ा गौर से इसको देखा तो ऐसा लगा कि ऊपर से वाकई में गिरती होंगी, और ये पूरा बेड जो है ना ये दरिया का जी जी, ये ऐसा लगता है कि यहाँ से दरिया बहता हुआ आगे से निकल जाता होगा। सही। तो ये तो फील हुआ। सही। लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि यार जब ये गिरा तो बाद में इसके पीछे जो सॉफ्ट मट्टी, इसको हम तुफा कहते हैं। अच्छा। तुफा जो होती है ये कहलाती है, ये जो हम अक्सर दरियाओं और नहरों के किनारे, नदियों के किनारे ना ये सॉफ्ट रॉक बन जाती हैं जी जी, तो इसको कंजूर कहते हैं। ओके। तो ये जो तुफा या कंजूर जो है ना जी, ये सारी फॉर्मेशन उस चीज़ की है यहाँ पर। सही। और मज़े की बात देखें, यहाँ पर जब ये गारें जो थी थोड़ी बहुत हुई जी जी, तो यहाँ पर ये पानी ये जो था ना ये आबशार जो थी आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ ड्रेन हो गई। अच्छा। और ख़त्म हो गई, और अच्छा। ख़त्म होने के साथ फिर ये एक चश्मे की शक्ल रह गई थोड़ी सी। अच्छा। सही। तो यहाँ पर जो गार थी सॉफ्ट मट्टी थी, लिहाजा यहाँ पर जो आके बैठे उस ज़माने में भिक्षु, उन्होंने यहाँ पे इबादत करनी शुरू की। और इबादत के साथ साथ ना यहाँ पे फिर उन्होंने अपने रहने के लिए इसको थोड़ा सा बनाना भी शुरू किया। ये जो दीवार देख रहे हैं ना ये वाली, ये दीवार बाद में बनाई गई थी उस ज़माने की, लेकिन ये भी हज़ारों ये सैकड़ों साल पुरानी है। अच्छा। और यहाँ पर जब हिंदुओं का दौर आता है तो एक म्यूरल पेंटिंग है इसके ऊपर। अच्छा। और आप देखेंगे कि कुछ रेड कलर के हाशी इसके ऊपर, और यहाँ पर इस तरफ भी कुछ लाइंस नजर आएंगी ब्लैक जी जी, वक्त के साथ साथ। और कुछ लोगों ने भी इसको ख़राब कर दिया। सही। जब मैं आया था 94 में तो उस वक्त ये आधी औरत थी एक। अच्छा। मतलब पिक्चर थी। हाँ, कोई देवी की तस्वीर थी। अच्छा। लेकिन अब ये ख़त्म हो गई है। सही सही। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो असल गारे जो हैं वो ये हैं।
यहाँ पर ये देख रहे हैं ये कलमे हैं बड़ी बड़ी, ये सब ये जो मैंने बताया था ना कि कैल्शियम कार्बोनेट की शक्ल अख्तियार कर गए, ये भी एक प्रोसेस होता है हजारों सालों का। ये देखें जी जी, यहाँ पर ये जो देख रहे हैं ना ये कलमे और तह जी 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 जी, ये सब ये वही चीज़ें, ये चूने की शक्ल अख्तियार कर गए। अच्छा। और चूँकि ये सॉफ्ट होते थे ना, इसको काटना आसान था। ओके। तो इसको गार बनाना आसान था। सही। अपनी नौजियत के वाहिद पूरी मरगला पहाड़ियों में ये गारे हैं। अब ये देखिए, ये एक बड़ा हैवी किस्म का ये हैंगिंग वो है, ये फसलाइज्ड है ये। जी जी। अब इसके अंदर आप देखेंगे कि ये फसल जो कलमे हैं ना जी जी, वो आहिस्ता आहिस्ता इसके दरमियान में जो भी चीज़ आई वो भी फसलाइज्ड होगी। मिसाल के तौर पे जी जी, पत्ते हैं और बहुत सारी चीज़ें इसकी, ये कलमों की शक्ल बन गई। ये देखेंगे ये कलम है, ये कलमे हैं, ये लटक रही थी सही। और ये मनों के हिसाब से इसका वजन है, लेकिन ये हैंगिंग है ये। क्या बात है, ज़बरदस्त। अब ये जो आप यहाँ पर एक सुराख देख रहे हैं ना जी जी, अब आप अगर गौर से देखें इस तरफ आकर के, तो ये देखें ऐसा लग रहा है कि ये जड़ें हैं दरख्तों की, लेकिन सब ये पत्थर में कन्वर्ट हो गई हैं, सब ये चूना और मिट्टी से मिक्स होकर के ये फॉसिलाइज्ड हो गई है सारी। अच्छा, जब आप पहली दफ़ा आए तो कैसी फीलिंग थी आपकी इनको देख के, आपको क्या फील हुआ? मैं थोड़ा सा ना वो एक तो दो बातें थी, हैरान भी हो रहा था, थोड़ा परेशान भी हो रहा था कि यार ये क्या चीज़ है। अच्छा। और फिर उसके बाद फिर मैंने फिर वो बंदा मेरे साथ था तो उसने दिखाना शुरू किया और मेरी समझ में आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो गया कि ये ऐसे क्यों हुआ था। ओ, और फिर क्या मसरफ था। सही। जाहिर है कि उस ज़माने ज़ाहिर टैक्सला के बिल्कुल पीछे था। और एक और बात, मज़े की बात बताता हूँ कि इस ये जो मरगला पहाड़ी है ना जी जी, इसको मरगला कहते हैं कि क्यों कहते हैं जी जी, तो किसी ने कहा कि जी यहाँ पर एक डाकू हुआ करता था जो यहाँ ठहरा था। अच्छा। उसका नाम था मेहर कुला। अच्छा। तो उस हवाले से इसको मरगला कहते हैं। अच्छा। तो वल्ला आलम ये सही है या गलत है, बहरहाल एक बात है। सही, सही, सही। अच्छा, अब क्या देखेंगे हम आज ज़रा चलते हैं दूसरी तरफ। ओके। और आपको दिखाते हैं कि ये जो थे ना पूरे जो फॉर्मेशन कैसे बनी जी जी, इसके बारे में बताता हूँ मैं आपको। ये जो हम जहाँ आप खड़े हैं ना, ये गार का एक दूसरा हिस्सा है। अच्छा। अब चूंकि ये गिर गया है ये पोर्शन, ये बंद था पहले। अच्छा। और ये भी एक रूम था। Okay. और जो इसकी आगे की जो दीवार थी ये इसको बंद कर दिया गया था। अच्छा। ये काफ़ी ऐसे सारा बंद था ये पूरा। अच्छा, सही। अब वक्त के साथ साथ ये गिर, अब ऐसे ऐसे वेदरिंग हो रही है तो ये भी गिर गया। अच्छा। और यहाँ देखें आपको मज़े की चीज़, दिया रखने की जगह थी। अच्छा। यहाँ पर ये कमरा था, ये ताकचा था ये। अच्छा। तो ये उस ज़माने के बने हुए ये। और अच्छा, मैं जब फर्स्ट टाइम आया ना इधर तो मैं समझा ये बाद में लोगों ने ना खुद बनाया है, लेकिन आज आपने ये बात क्लियर की कि ये भी हजारों साल पुराना ही है। जी जी, ये सब उसी के साथ ही है। Okay. ये अगर बनाया भी है तो ये अभी का नहीं है, बहुत पुराना है ये भी। सही, सही। तो इसी तरह ये वहाँ तक जो है ना जी जी, वो वहाँ तक दीवार थी ये पूरी, पूरे लंबा सा एक रूम था। Okay. और यहाँ पे बैठ के वो अपने इबादत किया करते थे जो पंडित वगैरह थे। ठीक। अच्छा, ये देखें ना ये ऊपर कितना बिल्कुल काला है ना, ये जो है ना ये उसकी निशानी है कि जब यहाँ पे मजदूर आके रहे। अच्छा। उन्होंने आग जलाई और उनको पता ही नहीं था ये क्या है, वो समझे कि हमारे रहने की जगह है। खास चीज नहीं है। हाँ। यूज करो इसको। अच्छा, वो मजदूर जो थे वो कौन थे, वो आप बता रहे थे मुझे छोटा सा वाक्य था। ये जो क्रश मशीनें यहाँ पर लगी थी ना जी जी, तो उनके मजदूर यहाँ रहा करते थे। अच्छा। अब ये देखिए, मैं बहुत मज़ेदार चीज़ दिखाता हूँ। जी जी, दिखाइएगा। ये देखें यहाँ पर, अगर आप गौर से देखें जी, ये तहें नज़र आ रही हैं, ये लेयर्स हैं। सही। कि जिस तरह से पानी के साथ मिट्टी नीचे आती थी और वहीं जमती चलती है। Okay. होते 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 ये सारी तहदार लेयर्स बनती चली गई। ये सब कैल्शियम है, कैल्शियम कार्बोनेट है ये सारा। Right. चूने हैं, चूने के पत्थर हैं सारे। सही, सही। तो ये बड़ी एक ज़बरदस्त चीज़ है जी। मैं बताऊँ आपको कि जो ज्योग्राफी के या जो मॉर्फोलॉजी के जो स्टूडेंट्स होते हैं ना जी, उनके लिए स्टडी करने की ज़बरदस्त जगह है ये, आपको कहीं और नहीं मिलेगी। जो यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के जो स्टूडेंट्स हैं तबई ज्योग्राफिया पढ़ने वाले जी जी, उनको यहाँ ज़रूर लाना चाहिए। और ये एक बड़ी एक ज़बरदस्त प्रैक्टिकल के लिए जगह है। ज़बरदस्त। ये जो आप ऊपर देख रहे हैं ना, ये दहाना था, चश्मे आबशार का दहाना था ये पूरा। अच्छा। क्योंकि जिस तरह की इसकी फॉर्मेशन है जी, कि यहाँ से पानी इस तरह से गिरता था। ओके। ये इसका वो दहाना था। ओके। और बहुत, इसका मतलब ये कि बहुत बल्क मकदार में पानी ऊपर से गिरता था, यानी मम्बा था पानी का, और नीचे गिर के और
इस तरह से यहाँ से निकल के चला जाता था। सही। इसकी फॉर्मेशन बताती है कि ये 100% आबशार थी यहाँ पर। ये कैल्शियम कार्बोनेट जो फर्सिलाइज्ड हो गया है इस वक्त। अच्छा। ये मिट्टी, ज़ाहिर है मिट्टी और ये पत्ते और बहुत सारी चीज़ें मिक्स हो गई। ये अब इतना भारी हो गया है, ये मेरे हाथ में छोटा सा पत्थर है। अच्छा। ये तकरीबन इस वक्त 5 किलो का होगा। सही सही। तो ये जो है ना, ये है वो जो अक्सर आपको नदी और नहरों के किनारे, दरियाओं के किनारे, ये इस फॉर्मेशन में, ये इसको तुफा कहते हैं। आप ये देख रहे हैं, बज़ाहिर तो एक छोटा सा चश्मा है। जी जी। और ये वो चश्मा रह गया है जो आबशार ख़त्म होते 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 ड्रेन हो गया। सही। और यहाँ से ये चश्मा जो बह रहा है, इस वक्त लग रहा है कि ये साकित है जी। लेकिन ये आगे जाकर के अच्छा खासी एक फ्लो बनता है और गांव की तरफ निकल जाता है। माशाल्लाह। इसमें खेती बाड़ी भी होती है, बात को भी शराब किया जाता है। इतना है पानी इस चश्मे का? ये अच्छा खासा पानी एक जाके तालाब में जाता है जहाँ मछलियाँ वगैरह भी हैं, और ये गांव की तरफ निकल जाता है। सही। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये बड़ के दरख्त हैं। जी जी। और इसकी छालें ऊपर से नीचे तक चली आ रही हैं। मतलब इसकी खासियत ये होती थी कि इसकी जड़ जब ज़मीन पर टच हो जाती थी जी, वो तना बन जाता था। सही। और यहाँ पर हज़ारों जड़ें जो हैं ऊपर से नीचे आ रही हैं। बिल्कुल। और ये वो निशानी है कि जो भिक्षु जो थे वो ये बड़ के दरख्तों को और पीपल के दरख्तों को बड़ा सेक्रेट समझते थे। सही। अब हम आपको ये गार के अंदर लेके चलते हैं। जी जी। और ये कदरे जो है ना बड़ा है। अच्छा। और इसकी यहाँ से आप देख सकते हैं इसकी फॉर्मेशन कितनी ज़बरदस्त है जी। और बिल्कुल ऐसा लगता है कि ये नेचुरल ये बनाया है, कमरा बना हुआ है। सही। और इसको सही मानों में मेरा ख्याल है कि मेन हाल जो था वो यही था। आगे चलें। सही। ये देखें जी, और इस जगह खामोशी भी है बहुत ज़बरदस्त है जी। बिल्कुल। बड़ा सुकून है यहाँ। सुकून सा है इस जगह ना। अच्छा, ये जो है ना, ये जगह जहाँ हम खड़े हैं जी, यहाँ पे ऐसा महसूस होता है कि जैसे कोई इमेजेस जो है यहाँ से मिट गए हैं। अच्छा। जैसे इस तरफ आप जी देखेंगे ना तो ऐसा लगेगा जैसे कि किसी की छवि है। सही। आगे चलें, दिखाएं। और इसके अंदर जो है ना हमें चूना नज़र आता है जी, और जो जितने भी म्यूजियम के अंदर भी और जो चूने के जो बुद्धा की तस्वीरें या बुत हैं जी, तो वो चूने में बनी है। तो इसके अंदर देखें ऐसा लगता है कि जैसे ये कोई चीज़ यहाँ रखी गई थी बना करके, अब ये ख़त्म हो गई है, ये तोड़ दिया गया है कुछ है। तो कुछ इस तरह से महसूस होता है कि जैसे कोई सीटेड कोई चीज़ बैठी हुई है यहाँ पर। ये जो गार हैं यहाँ पे, चूँकि हज़ारों सालों से हैं, तो यहाँ पर पहले तो मॉन्क्स थे यानी भिक्षु, उन लोगों ने अपना बसेरा किया यहाँ पर। यहाँ पे इबादत किया करते थे, मेडिटेशन किया करते थे। फिर उसके बाद जब दोबारा रिवर्स हुआ तो हिंदू आ गए। हिंदू के जो पंडित वगैरह थे वो यहाँ बैठकर प्रार्थना करते थे, और एक इनके दौर में काफ़ी अर्से तक ये इनके अंडर में रहा, और यहाँ पे पेंटिंग वगैरह भी उसी के दौर की हैं। फिर उसके बाद जब इस्लाम आ गया, ये पूरा इलाका मुसलमान हो गए, और यहाँ पर फिर हमारे जो थे ना जो चिल्ला काटने वाले मौलवी हजरात, वो लोग भी यहाँ के बैठते थे। और ये जगह तो इससे ज़्यादा पुरसकून जगह कहाँ होगी जो जहाँ पर ये बैठकर के चिल्ले काटा करते थे और इबादत भी करते थे और दर्स भी दिया करते थे यहाँ पर आकर के। ये देखिए, ये एविडेंस है, ये जिसका मैं जिक्र किया था ना कि सही, ये फॉसिल की तरह फॉसिल की शक्ल इख्तियार कर गया है ये, और वही जो चूने का जो पत्थर है ये पूरा जी। और ये आम तौर पे यही चीज़ें जो होती हैं पानी से मुंसलिक होती हैं, जहाँ पानी होगा वहाँ इस तरह ये चीज़ें इस तरह की फॉर्मेशन आपको मिलेगी। क्या बात है जनाब। तो चले नाज़रीन कुछ और दिखाते हैं आपको। नाज़रीन, ये जो आपको दरख्त दिखाई दे रहा है, ये मुझे तो यूँ लग रहा है ये क्लस्टर फिग है। ये देखें आप, इसके ऊपर फ्रूट भी लगा हुआ है। अभी साइज़ इसका बहुत छोटा है, तो उम्मीद है कि जून में ये फ्रूट जो है वो तैयार होगा, तो फिर मैं चक्कर लगाऊंगा। राजा साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, और ये इनके साथ जो है ना हमारी बहुत अच्छी दोस्ती है। और अब हम यहाँ से चलते हैं, क्यों जी अंसार साहब, किधर जाएंगे अभी हम? अभी हम जरनैली रोड को टच करेंगे, जहाँ से टर्निंग होती है ना। ओके ओके, यानी जरनैली सड़क की तरफ चलते हैं जनाब। ये जरनैली रोड है। अच्छा। और ये वही रोड है जिस पर जितने भी जरनैल, जितने भी बड़े बड़े फातिहीन थे, वो इसी रास्ते से गुजर करके और आगे चले गए। अच्छा, आप इसको जरनैली क्यों कह रहे हैं जनाब? ये तो कुछ लोग इसको अलेक्जेंडर रोड भी कहते हैं। सर, अलेक्जेंडर ज़रूर यहाँ से गुजरा, लेकिन यहाँ से बहुत सारे फातहीन, बादशाह
और बारबेरियन इसी रास्ते से गुजरे थे। सही, तो इसलिए हम इसको जर्नली रोड कहते हैं। कौन कौन से गुजरे थे जी, कुछ याद है आपको? यहाँ पर जी ये सिकंदर भी गुजरा, उससे पहले जो थे वो ज़ाहिर है मौर्यन ख़ानदान के लोग भी यहाँ से गुजरे, और बाद में मुग़ल बादशाह भी यहाँ से गुजरे, और फिर शेरशाह सूरी भी यहाँ से गुजरा। सही, तो इसलिए इसको हम जर्नली रोड कहते हैं। महमूद गजनवी भी इधर से? जी जी सही। कभी यहाँ से घोड़े गुजरा करते थे और आज ट्रैक्टर भी गुजर रहे हैं, गाड़ियाँ भी गुजरती हैं, बाइक भी गुजरते हैं। इसकी हम बात कर रहे थे, ये जो आप देख रहे हैं खुली सी जगह, तो वो जो चश्मा है वहाँ से जो नदी की शक्ल इख्तियार करती थी तो वो यहाँ पानी आया करता था, और इसी तरह इस तरफ छोटे छोटे नाले भी हैं जो इस नदी के साथ जाके मिल जाया करते थे। आगे चल के कुछ और निशानियाँ मैं आपको दिखाता हूँ। शाम के साए ढल रहे हैं और ये देखें बहुत ही खूबसूरत मंज़र मारगला के पहाड़ों का। और हम लोग जिस नदी की बात कर रहे हैं, अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो यहाँ वो शक्ल अख्तियार करती है, और आप ये जिस तरह दरिया का बेड हुआ करता है इसी तरह ये आप देख सकते हैं ये एक नाला है। एक और चीज़ दिखाते हैं जी, हाँ ये नीचे आप देखें काफ़ी आपको दरख्त दिखाई दे रहे हैं, और अंसार साहब नीचे जा रहे हैं, और बिल्कुल हमारे करीब ही ये चश्मा बह रहा है, साफ़ सुथरा पानी है इसका। नीचे चलते हैं, खूबसूरत साफ सुथरा पानी मोतियों की तरह, ये उसी चश्मे से आ रहा है। ब्यूटीफुल। जैसा कि हमने पीछे जिक्र किया था जर्नली रोड का, तो यहाँ से जो बड़े बड़े बादशाह जब गुजरे तो उसमें मुग़ल बादशाह भी थे, मुग़ल शहंशाह, और मुग़ल शहंशाह के यहाँ से गुजरने का जो सबूत है वो ये है कि मुग़लों को, मुग़ल जो जहाँ भी जाते थे वो आम का दरख्त ज़रूर लगाते थे। अच्छा। और आम का ये जो हम देख रहे हैं पीछे जो बाग है इसमें बहुत सारे आम के दरख्त लगे हुए हैं, और शहंशाह अकबर, जहांगीर और औरंगज़ेब जी ये लोग बड़े दिलदादा थे आमों के। तो ये देखें यहाँ जो दरख्त देख रहे हैं ये 500 साल पुराने दरख्त, 500 साल पुराने दरख्त जो हैं उसकी आप शक्ल देख सकते हैं, इतने बड़ा तना है और ये आज भी मौजूद है, ये देखिए। और सबसे बड़ी बात है कि ये ऊपर इसके अंदर जो फूल है आम के लिए, इस वक्त सीज़न है और फूलों से भरा हुआ है ये आमों का, इंशाल्लाह ताला जब भी सीज़न आएगा तो इसमें आम ही आम होगा। और अब ज़ाहिर इसकी जितना बड़ा दरख्त है आम की भी ज़ाहिर तादाद इतनी ही होगी, और यहाँ एक नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे दरख्त हैं। सही। और सबसे बड़ी बात ये मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर एक मदरसा भी है जी, जो औरंगज़ेब ने बनाया था, शहंशाह औरंगज़ेब ने, और वो अब जंगलात जंगल के अंदर घिर चुका है, उसके सिर्फ दरवाजे नज़र आते हैं, दीवारें नज़र आती हैं। जाएंगे उधर? तो इंशाल्लाह भी चलते हैं, सिर्फ ताकि हम नाज़रीन को बता सकें कि यहाँ पर मुग़ल शहंशाहों ने दिलचस्पी ज़ाहिर की थी और यहाँ पर रुके थे। लगा बार बार जिक्र आ रहा है इस नदी का, और ये देखें अभी मैं उस नदी के बिल्कुल बेड के ऊपर हूँ, परिंदों की आवाज़ें बहुत ज़्यादा हैं, और शायद मुझे देख के इन्होंने शोर करना शुरू कर दिया। अच्छा जी, ये है जी वो दरख्त आम का, इतना बड़ा पेड़, और इसके ऊपर ये आप देखें फ्लावर्स कितने ज़्यादा हैं, ये देखें ये फ्लावरिंग से भरा हुआ है माशाल्लाह, कितने ज़्यादा फूल हैं आम के, वाओ ब्यूटीफुल। अच्छा मैं कितनी दफ़ा यहाँ से गुज़रा, कभी इस चीज़ का मुझे आइडिया नहीं हुआ है। क्यों जी अंसार साहब, ये आपकी मेहरबानी है जनाब अली, आपने पॉइंट आउट की ये चीज़। ये देखें सर, इसका अगर आप तना देखें, बिल्कुल जी ये कम से कम 300-400 साल पुराना होगा। क्यों जी ऐसी बात है जनाब? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, माशाल्लाह, और इसमें परिंदों के मस्कन हैं जी। बिल्कुल बिल्कुल, और जिन्होंने ये दरख्त लगाए हैं उनको सवाब अभी भी मिल रहा होगा, क्या ख्याल है आपका? जी बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है कि ये लोग आम के बड़े दिलदादा थे जी, बड़े शौकीन थे, और ये जहाँ भी जाते थे ये देखें आमों का बाग तो ज़रूर लगाते थे। बिल्कुल, मैं सवाब इसलिए कह रहा हूँ कि परिंदों ने मस्कन बनाए हुए हैं, और ये देखें जी, लुक एट दैट ब्यूटी, क्या बात है जी,
जबरदस्त, लवली लवली। इंसार सब चले आगे, ऊपर तक भी हैं जी, वो हो हर तरफ फूल ही फूल हैं। तो चलें जी, अब चलते हैं आगे। अच्छा जी, ये कोई आसान काम नहीं था, यहाँ बहुत दुश्वार गुजार रास्ता था, पत्थर ही पत्थर हैं चारों अतराफ, जहाँ से उतरकर हम लोग नीचे गए थे। और ये सड़क के बिल्कुल किनारे पे है, ये देखें, ये हमारे राजा साहब भी खड़े हैं साथ, आज फुल प्रोटोकॉल दे रहे हैं हमें। नाजरीन, हम यहाँ जो खड़े हैं, ये एक मस्जिद है जिसे आज से कोई 400 साल पहले औरंगज़ेब ने बनाई थी। और ये देखिए इसका स्ट्रक्चर, ये छोटी ईंट की जो है ना, इसका स्ट्रक्चर है, और ये उसी दौर में ये ईंटें इस्तेमाल थी। और अब ये बेचारी ये खस्ता हालत हो गई है, दीवारें भी गिर गई हैं, और मेरा ख्याल है कोई जानता भी नहीं, यहाँ के लोगों को भी नहीं पता कि यह है क्या चीज़। थोड़ा सा अगर वहाँ देखेंगे ना तो आपको इसका स्ट्रक्चर, इसकी मेहराबी भी नज़र आएगी। जी नाज़रीन, ये देखें जी, झाड़ियों में आपको एक टूटा हुआ हिस्सा इस मस्जिद का दिखाई दे रहा है, और जब हम दाएं तरफ इस तरफ को मुड़ेंगे तो ये आपको दीवार दिखाई देगी। और इसी तरह ये मुगलिया दौर की ईंटें, बिल्कुल ये बारीक हुआ करती थी। और ये इस तरफ ये है जी दरवाज़ा, और ये ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। और अंसार साहब, ये क्या चीज़ है जी, ये देखें, ये चीज़ तो ये किसी ने तोड़ने की कोशिश की है। अच्छा अच्छा, सही, कोई वो ऐसी चीज़ नहीं है। ओके, बस इसका माथा जो है काबिले दी। हाँ जी, माथा भी ऊपर अगर आप देखें तो ये ठीक है बिल्कुल। और इस दीवार की बात हो रही थी, ये देखें ये दीवार, और ये है जी मेहराब नुमा डिज़ाइन है इसके ऊपर। और ये थोड़ा और करीब देखें आप, ये उस दौर में चूना इस्तेमाल हुआ करता था, और मिट्टी दालें और इस तरह की ऐसा ही मटेरियल होता था ना जी अंसार साहिब। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये थोड़ा दूर से आप देखें इसका व्यू, और थोड़ा आगे चलते हैं, बिल्कुल झाड़ियां हैं, दरख्त हैं, इनमें ये मस्जिद गुम हो चुकी है। और इस दीवार की मैं बात कर रहा था आपसे, इसको भी अगर आप देखें थोड़ा सा गौर से, ये देखें कदीमे ज़माना। और ये है जी सामने मारगला के पहाड़, और ये साथ ही कब्रिस्तान। बेचारगी देखें कि इस दीवार के बीच में दरख्त जो हैं वो उगे हुए हैं, उनकी जड़ें हैं, और उन्होंने मजबूती से इसको पकड़ा हुआ है, जकड़ा हुआ है और तोड़ दिया है। और यहाँ से आप मुलायजा फरमाएं, ये दरवाज़ा, और ये इसका अंदरूनी मंजर, माशाल्लाह। जी नाज़रीन, आज बहुत मज़ा आया, ख़ासकर राजा साहब ने हमें कंपनी दी। राय साहब बहुत मेहरबानी से ना, बहुत शुक्रिया जी, बड़ी आपने इतना टाइम निकाला, और ख़ासकर रोज़े की हालत में इतने दूर आना, क्या कह रहे हैं जनाब, कहाँ से चल रहे हैं आप? सराय खरबूजा से आए, और इनका सराय खरबूजा भी आपको इंशाल्लाह हम अन करीब ही दिखाएंगे। और रमज़ान के बाद करें, रमज़ान से पहले करें, रमज़ान के बाद करें, खाने पीने का भी एहतमाम। ओह गुड गुड गुड, ठीक बिल्कुल जी, हम शाही सवारी पहुंचेगी वहाँ, और शाही दस्तरखान होगा, मौज मस्तियाँ होंगी फिर इंशाल्लाह। तो आपका भी बेहद मैं शुक्रगुजार हूँ। नाज़रीन, इंशाल्लाह जी हम अपने खित्ते पोठोहार में, ख़ासकर रावलपिंडी इस्लामाबाद के गिर्दो नवा में जितने भी तारीखी मकामात हैं जो आपने अभी तक नहीं देखे, वो इनकी मदद से हम इस कैमरे के तवस्सुत से हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। अब हम आपसे चाहेंगे इजाज़त, आपको आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह जल्द ही आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए हमें दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।